दुनिया परेशान है। कोविड के कारण दिनचर्या तहस नहस हो गई है। टीवी खोले तो कोरोना, समाचार पत्र पलटे तो कोरोना, बाहर निकले तो डराए कोरोना, सोशल मीडिया पर जाए तो कोरोना ही कोरोना। ऐसे में विषय को बदल देने में ही भलाई है। शहरों की अपेक्षा गांव में फिलहाल मंजर डरावना नहीं है। जंगल में मंगल जरूर है, लेकिन वहां भी बंदिशें हैं। फिर भी आज हम बात करेंगे जंगल की। हालांकि यहां भी हम एक तथ्य रखने जा रहे हैं, जिसके पक्ष में खड़ा होना ना होना आपको खुद तय करना है। बात जुड़ी है हाथियों से। जी हाँ, हम उन्हीं हाथियों की बात कर रहे हैं जिसे विदर्भ के अनेक क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। तो दूसरी तरफ परेशानी ये भी है कि विदर्भ की पहचान बने हाथियों के सरकारी कैंप को अन्यत्र स्थानांतरित करने की सुबुगाहट तेज हो गई है। यह कैंप गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तहसील के कमलापुर वन क्षेत्र में है। विदर्भ के गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तहसील के कमलापुर वन क्षेत्र में शासकीय हाथी कैंप है। यह राज्य का एकमात्र शासकीय हाथी कैंप है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है कैंप के कारण कमलापुर ही नहीं, विदर्भ को एक अच्छी विशेष पहचान भी मिली है। अब यहाँ के हाथियों को गुजरात भेजने का प्रयास चल रहा है। गुजरात के जामनगर में उद्योग समूह की ओर से बड़ा प्राणी संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। उसके लिए विदर्भ के सभी स्थानों से हाथियों को गुजरात में भेजने का प्रयास चल रहा है, जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। खुद शिवसेना के एक पदाधिकारी ने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को पत्र लिखकर विदर्भ की पहचान बने हाथियों के कैंप को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने का निवेदन किया है। इस हाथी कैंप के स्थानांतरण के प्रयास का कमलापुर के नागरिकों ने ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है। आपको बता दें कि वन विभाग की दृष्टि से विकसित करने के लिए काफी इसे सजाया सवारा गया था, जिसे लोग यहां पर आए, मगर नक्सलियों को यह प्रयास रास नहीं आया। उन्होंने इस हाथी कैंप पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ भी की। दूसरी बार तो वो यहां पर तोड़फोड़ का कारण एक बड़ी नक्सली नेता की मुठभेड़ में हुई मौत को भी उन्होंने बताया था। यह वर्ष 2020 की बात है, जब नक्सलियों की एक बड़ी महिला नेता सृजनक्का मुठभेड़ में मारी गई थी। इसके बाद फिर से हाथी कैंप को बहाल किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाथियों के आतंक के चलते विदर्भ के ग्रामीण बहुत परेशान रहे हैं। हाथी झुंड में आते हैं और खड़ी फसलों को तबाह कर जाते हैं। 23 अक्टूबर 2021 को गढ़चिरौली के जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड देखा गया। यह झुंड देखे जाने के बाद महाराष्ट्र वन विभाग के अधिकारी व जैव विज्ञानी अपने काम में जुट गए। सामान्यतः महाराष्ट्र के किसी वन क्षेत्र में हाथी नहीं पाए जाते, लेकिन पड़ोसी राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। इन्हीं राज्यों के कभी कभी कुछ हाथी महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाते हैं। गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ के नजदीक है, इसलिए वहां से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की ओर जाते हुए हाथियों के झुंड कभी कभार गढ़चिरौली से गुजरते हैं। इस क्रम में इतिहासविद अशोक सिंह की अलग ही राय है। उनका कहना है कि तकरीबन 600 साल पहले गोंडवाना के राजा ने मुगलों से युद्ध हारने के बाद उन्हें 170 हाथियों का नजराना पेश किया था। इससे यह साबित होता है कि जमाने में चंद्रपुर के जंगलों में भी हाथियों का वास था, जो कालांतर में कर्नाटक और दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो गए थे। यह भी माना जाता है कि हाथी भी अपने जोड़ों को ढूंढते हैं और ऐसा ही करते हुए वो शायद चंद्रपुर के जंगलों में वापस लौट आए होंगे। लेकिन हाथी खामोश नहीं रहे, उत्पात मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। एक वन अधिकारी के अनुसार उसी झुंड के एक हाथी ने एक 35 वर्षीय किसान अशोक मड़ावी पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया था। भारत में तेजी से हाथियों की संख्या में गिरावट हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका अवैध शिकार है। कुछ लोग इनका हाथी दांत के लिए अवैध शिकार कर रहे हैं, तो हाथी दांत की विदेशी बाजार में काफी मांग होती है। इसका ही फायदा उठाने के लिए शिकारी इनका धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं। इनके दांतों का इस्तेमाल साज सजावट की चीजों को बनाने से लेकर शक्तिवर्धक दवाओं में भी धड़ल्ले से हो रहा है। ब्लैक मार्केट में हाथी दांत की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से शुरू होती है। अब तक का सबसे लंबा हाथी दांत 138 इंच का दर्ज हुआ है, जिसका वजन लगभग 142 किलोग्राम था।
आपको बता दें कि हाथी की सामान्य आयु 70 वर्ष तक होती है और वो स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि से संवाद करते हैं। हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं तथा वो भावनात्मक रूप से भी काफी परिपूर्ण होते हैं। किसी करीबी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें उदास या रोते हुए भी देखा गया है। भारतीय हाथी मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी एवं उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में तथा पशु पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अभिसमय में शामिल किया गया है। भारत में हर 5 साल में हाथियों की गिनती होती है। आपको यहाँ पर भी ये बता दें कि हाथियों की उम्र का अंदाजा उनकी ऊंचाई से लगाया जाता है। अमूमन व्यस्क नर हाथी की ऊंचाई 8 फीट तक और मादा हाथी की ऊंचाई 7 फीट होती है। हाथियों की गणना करने के चौथे तरीके में 2 या 3 लोगों की टीमें इस विधि में भी बनाई जाती हैं। यह टीम पानी के स्रोत के पास तैनात होती है। यहाँ भी हाथियों की उम्र और लिंग का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। हाथियों के ग्रुप में ज्यादातर मादा होती हैं, जबकि नर अकेले रहते हैं। उन्हें ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद नहीं। दुनिया में 3 तरह के हाथी पाए जाते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। भारत में एशियन एलिफेंट होते हैं। भारत में एशियन एलिफेंट की संख्या करीब 30,000 है। यहाँ 29 राज्यों में से 22 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के हिस्सों में हाथी पाए जाते हैं। सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया और उसका उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक वास के संरक्षित करना है। हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी यात्रा करते हैं। उनके कॉरिडोर को संरक्षित रखना तथा कुछ लोग हाथियों को पालते भी हैं, उनकी निगरानी और गणना भी अहम है। प्रोजेक्ट के तहत हाथियों को बचाने की नीति बनती है। हाथी गलियारों की सबसे अधिक संख्या उत्तरी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यहाँ प्रत्येक 150 वर्ग किलोमीटर के लिए हाथियों के आवास हेतु एक हाथी गलियारा मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव पशु संघर्ष की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत का स्थान आता है, जहां हाथियों के निवास हेतु प्रत्येक 500 वर्ग किलोमीटर के लिए एक हाथी गलियारा है। इसके पश्चात मध्य भारत का स्थान आता है, जहां प्रत्येक 840 वर्ग किलोमीटर में एक हाथी गलियारा है। दक्षिणी भारत में प्रत्येक 1410 वर्ग किलोमीटर के लिए एक हाथी गलियारा मौजूद है। हालांकि हाथियों के निवास स्थान हेतु निर्मित इन हाथी गलियारों में पूर्वोत्तर भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। यहां प्रत्येक 1565 वर्ग किलोमीटर के लिए एक हाथी गलियारा बनाया गया है। यह विवरण इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि यदि मानव बस्तियों के इतने समीप पशु निवास स्थानों को स्थापित किया जाएगा तो भविष्य में मानव पशु संघर्ष की घटनाओं में और अधिक इजाफा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चंद्रपुर के आसपास में हुई हाल ही की घटनाएं इसकी पुष्टि भी करती हैं। बहरहाल प्रकृति की हर रचना एक दूसरे की पूरक है, इसकी हिफाजत में ही अपनी हिफाजत है। गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तहसील के कमलापुर वन क्षेत्र में शासकीय हाथी कैंप को तहस नहस करना विदर्भ के साथ बेमानी होगी। सरकार को इस पर उचित संज्ञान लेना होगा ताकि यहां भी हाथियों की वसाहट बनी रहे। तो देर किस बात की, सरकार तक आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है तो जीवंता भी है और जीवंता है तो जीवित हैं नए प्रश्न भी। एक और सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।